हम प्रारंभ करते हैं यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र संख्या 35। ओम श्रीमान्ते धियम प्रवरे महोमहीम अथ स्तोत्रे धिषणायत्ते आदजे तम उत्सवे च प्रसवे च साहिम इन्द्रं देवासः शवसा अमदन अनु। मंत्र महो हे महान अस्य इसके स्त्रोत्र स्तुति में धिषणा वाणी से ते तुम्हारा आनंद प्रकाश करता है ते तुम्हारी जो महान धियम प्रकाश उस उत्तवे तृप्त करते हैं। इसका भाव यही है कि ऐसे कार्य जिससे परमात्मा प्रसन्न हो तथा ऐसे कार्य न करें जिससे उसे अप्रसन्नता हो। धातुवाद निरुक्त सर्वनाम ते सर्वनाम भी धारण करना सर्ग भरे धारण पोषण करना पूर्ण करना महो महत्व होना सम्मान करना पार करना शब्द करना संसार करना प्रकाश करना स्वच्छ करना विख्यात करना तम सर्वनाम उत्सवे में उत्सर्वनाम सुधातु उत्पन्न करना पराक्रम होना च व्यय प्रसवे प्रउपसर्ग सुधातु है सास हिम तस सहन करना शक्ति होना इंद्रम इंद्र परम ऐश्वर्य होना देवासह देव प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना शवसा शव जाना बल होना अमदन अप्रियोपसर्ग मद आनंद होना हर्षित होना तृप्त होना अनुपसर्ग होना। ॐ हम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 29। ॐ इमां ते धियं प्रभरे महो महीम अस्य स्तोत्रे धिषणायत्ते आनजे तम उत्सवे च प्रसवे च सासहिम इन्द्रं देवासः सवसः अमदं अनु। इमाम इसको ते हाँ ये ते भी समझ ले ते का अर्थ वे समानता जानते हैं बच्चे ते वे ते का एक व्यापक प्रयोग है बहुत से विभक्तियों में ये प्रयोग होता है ते वे वो में ये कुछ सर्वनामों के लघु रूप हैं एक प्रकार से अव्यय जैसे प्रयोग हैं जो अनेक विभक्तियों में विशेष अर्थ देते हैं ते का अर्थ तुम्हारा तुम्हारे लिए आदि भी होता है। प्रथमा विभक्त में ते बहुवचन में आता है और तुम्हारा तुम्हारे लिए के अर्थ में तो एक वचन में भी आता है। प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा बस इतना ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं इमाम जिसको
ते धियम, देखिए ते धियम आया है तो तुम्हारे बुद्धि को, ऐसा अर्थ यहां उपयुक्त प्रतीत होता है, तुमने लिया इमाम ते धियम, इस तुम्हारी बुद्धि को प्रभरे, प्रकृष्ट रूप से भरे, भरण करे, भरते हैं, भरण पोषण करते हैं, यही अर्थ है। महो महीम, महो जो महान है, महीम उस महत्ता को, महान को, महीम धियम के साथ द्वितीया एक वचन में कहेंगे महीम धियम अर्थात महान बुद्धि को। महो ये प्रथमा में ग्रहण कर रहे हैं, महो महान जो महान है। अब ये महा जिसका एक रूप महो है, यहां पर हम कह सकते हैं ये परमेश्वर के लिए है या समाज के महान लोगों के लिए है, जैसा कि हमने कहा है अनंता वे वेदा वेद मंत्रों के अनंत अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, श्लेष से सभी अर्थ स्वीकार्य होते हैं। हम सामान्यता दो प्रकार के अर्थों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं अपनी चर्चा में, इसको भी समझ लें तो सुविधा होगी समझने में। वेद का मूल लक्ष्य, मूल अर्थ तो आध्यात्मिक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ होने का अर्थ है आध्यात्म परक, परमात्मा परक। महो महान कौन है? परमात्मा है, उससे अधिक महान तो कोई हो नहीं सकता। तो परमात्मा के विविध गुणों की स्तुतियां हम वेद मंत्रों में करते हैं, यह मुख्य बात हम सबको समझनी है। और परमात्मा के, परमेश्वर के जिन विविध गुणों की स्तुतियां हम मंत्र में कर रहे होते हैं, परोक्ष रूप से उससे ये प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि इन गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करना है। और इसका एक भाव कि समाज में जो श्रेष्ठ लोग देवजन इन गुणों को धारण करते हैं उनका भी हमें सम्मान करना है। तो एक प्रकार से यह भी त्रिविध अर्थ हो गया, एक परमात्मा परक उसमें तो ये गुण है ही, एक प्रेरणा कि हम सबको इन गुणों को धारण करना है, और दूसरा दायित्व तो कि समाज में जिन लोगों ने इन गुणों को धारण किया है उनको भी हम देवतुल्य सम्मान देते हैं, वे समाज के देवजन हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक मंत्र के ये तीन अर्थ तो सहज भाव से होते हुए चलेंगे ही, कहीं हम इसका स्पष्ट उल्लेख कर देते हैं, कहीं ना भी करें तो मानकर चलें कि प्रत्येक मंत्र के ये तीन अर्थ तो आप अपने विवेक से प्रयास करके समझेगी। अब वही बात है कि त्रिविध अर्थ, मंत्रार्थ, भावार्थ में तीन प्रकार से अर्थ लिखना तो व्यवहारिक नहीं है, पुस्तकों का आकार कितना बढ़ जाएगा, तो वो किसी ने नहीं किया है, अब तक संभव नहीं हुआ है, भविष्य में क्या होगा कौन कह सकता है। हो सकता है कल तकनीक का कुछ ऐसा विकास हो कि आप लोग सरलता से कर सके, तो अच्छी बात है। तो अभी से इस प्रकार से समझें, इमाम ते धियम, इमाम ते धियम प्रभरे महो महीम, जो महो वह महा जो महान है, परमेश्वर है अथवा समाज के जो महान दिव्य जन हैं, वे तुम्हारी इस महीम धियम महान बुद्धि को प्रभरे, प्रकृष्ट रूपेण भरण करें, प्रमुखता से भरण पोषण करें तुम्हारे इस बुद्धि का। बुद्धि का भरण पोषण हो, बुद्धि उत्तम हो तो उसकी सहायता से जीवन के अन्य कार्य सुचारू रूप से चल सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वह परमेश्वर या समाज के दिव्य जन महान लोग तुम्हारी इस महान बुद्धि का भरण पोषण करें, तुम्हारी भी बुद्धि महान है, बस उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है, जो देवजन करते हैं। अस्य स्तोत्रे धिषणा यत् ते आनजे,
अस्य इसका स्त्रोत्रे स्त्रोत्र में, स्त्रोत्र का अर्थ स्तुतियों में, स्तुति में, जो स्तुति हम कर रहे हैं, स्तुति और स्त्रोत्र एक प्रकार से समानार्थी शब्द पर्याय। लोग नारे को लगाते हैं, घृष्णा घृष्णा का अर्थ है वाणी, इसमें किया गया है घृष्णा में धिस धातु है शब्द करना, तो घृष्णा का अर्थ हुआ शब्द द्वारा, तो वाणी द्वारा या शब्द से अर्थ होता है विद्या द्वारा, जो शब्द जो जानकारी जो शब्द हमें ये शब्द प्राप्त हुए हैं, शब्दों के शाब्दिक जो कहलाते हैं वो विद्वान कहलाते हैं, जो इन शब्दों को वचनों को जानने वाले हैं, तो धिषणा का अर्थ शब्द द्वारा वाणी द्वारा, इसका अर्थ कह सकते हैं कि जो हम बोलते हैं उस वाणी द्वारा, ये अर्थ भी है तृतीय एक वचन में। तो अस स्त्रोत्रे धिषणा कह सकते हैं इसके स्त्रोत्र में वाणी द्वारा या इसके वाणी द्वारा स्त्रोत्र में, ये दोनों अर्थ बिल्कुल ठीक हैं, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा व्याकरण की दृष्टि से। यत ते आनजे, यत जो ते तुम्हारा या तुम्हारे लिए, आनजे आनजे का अर्थ है प्रकाश करता है, आज अंज धातु का अर्थ है गति करना, प्रशंसा करना, प्रकाश करना, स्वच्छ करना, विख्यात करना, बहुत से अच्छे अर्थ हैं इस एक धातु में। अजी अंज, अंजन, अंजू शब्द आपने सुने हैं, प्रचलित हैं, तो इसी अर्थ में ये शब्द या नाम रखे गए हैं कि गति, प्रशंसा, स्तुति, प्रकाश, स्वच्छता, ख्याति जैसे अनेक गुण इस धातु में। तो आनजे का ये सब कुछ हो गया, प्रकाश करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्वच्छ करते हैं, विख्यात करते हैं, तो आनजे में ये सभी है। हाँ, आनजे क्रिया के रूप में ग्रहण किया गया है, आनजे क्रिया है, ये बात हमको अवश्य यहां ध्यान देना होगा। प्रभरे प्रथम चरण में क्रिया थी, आनजे इस द्वितीय चरण में क्रिया है। तो शब्द द्वारा स्त्रोत्र में स्तुतियों में वे आनजे प्रकाश करते हैं, तम उत्सवे च प्रसवे चा सा सहिम, देखें तम उसको सर्वनाम है, उत्सवे उत्सव में, चा और प्रसवे प्रसव में, इस शब्द को समझें आनंद आएगा, अच्छा लगेगा इस भाषा को समझ करके। उत्सवे उत्सव में बिल्कुल ठीक है। अब ये उत्सव क्या है, वर्तमान में लोक व्यवहार में उत्सव शब्द एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, वहां उत्सव हो रहा, कोई विशेष आयोजन, कोई विशेष कार्यक्रम, कोई समारोह, कोई संगमन, लोगों का एकत्र होकर कुछ करना, विशेष प्रकार के कार्य, उसको उत्सव कहा जाने लगा। वेद में ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, उत उपसर्ग है, फिर आया सवे, ये सु प्रसवे धातु है, उत्पन्न होना, ऐश्वर्य होना, उत्सवे का अर्थ है उत्तम सृजन में
उत्तम ऐश्वर्य में, उत्तम प्रेरणा में, सुदीर्घ उकारांत सुधातु का अर्थ प्रेरणा करना भी है, तो उत्सवे उत्कृष्ट उत्तम सृजन में ऐश्वर्य में प्रेरणा में क्या, और प्रसवे यहाँ प्रा उपसर्ग है, उत्सव में उत उपसर्ग है, प्रसव में प्रा उपसर्ग है, शेष वही प्रमुख प्रकृष्ट सवे सृजन में ऐश्वर्य में प्रेरणा में, उत्तम ऐश्वर्य सृजन प्रेरणा में, प्रकृष्ट प्रमुख ऐश्वर्य सृजन प्रेरणा में, सासहिम सासहिम में इसमें सह धातु है, सहनशील को, सामर्थ्यवान को, सहो अस सहो मही दे, आप समर्थ हैं हमें भी सामर्थ्य दे दीजिए, ये वैदिक प्रार्थना हम लोग करते हैं। सहो सह धातु का अर्थ सहज भाव से तो आप कह सकते हैं सहन करना, सहन करने का भाव यहां सामर्थ्य होना, शक्ति होना है कि हम सहन कर सकें कुछ भार को, किसी कार्य को, दायित्व को हम वहन कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, इस सामर्थ्य को कहते हैं सहो असी, सहनशील हो, सहन युक्त हो, सामर्थ्यवान हो, सासहिम सामर्थ्यवान को या सहनशील को, दोनों का अर्थ एक ही, जिसमें बल है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वही सहन कर सकता, अन्यथा वो सहन नहीं कर पाएगा। सहन करना भी एक सामर्थ्य है, जिस अर्थ में समय सहन करना हम लोग कहते हैं, कोई कुछ अनुचित हुआ, कुछ हमारी इच्छा के विपरीत हुआ, कुछ हमें दुख कष्ट हुआ और हमने सहजता से सहन कर लिया, तो ये तभी संभव है जब हम में कुछ बल सामर्थ्य होती है उस बात को सहन कर पाने की। इंद्रम देवासा शवसा अमदन अनु, अब आया इंद्रम इंद्र को, परम ऐश्वर्यवान को, परमेश्वर इंद्रम परमेश्वर को, यदि इंद्र धातु का अर्थ परम ऐश्वर्य होना, इंद्र शब्द का अर्थ परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर, इंद्रम परमेश्वर को, उस परमेश्वर को देवासा देवगण, देव का बहुवचन देवासा यह वैदिक प्रयोग है, लौकिक संस्कृत में देवाह कहा जाएगा, देवासा नहीं कहा जाता, वेद में देवासा रूप मिलता है, देव का बहुवचन देवासा जनासा ऐसे रूप वेद में मिलते हैं, लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं है, वहां देवाह होगा, जनाह होगा, इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। इंद्रम देवासा देवगण इंद्र को शवसा शव द्वारा, अब ये शव क्या है, शव धातु है जिसका अर्थ गति करना है, जाना है, बल होना है। शव का अर्थ जाना है, बल होना है, दो अर्थ। शवसा का सामान्यता अर्थ आपको यही मिलेगा, बल द्वारा, बल के साथ। कुछ बड़े कार्य करने हैं तो कुछ सामर्थ्य शक्ति बल होना ही चाहिए। देवासा शवसा देवों ने बल के साथ गति के साथ कह सकते हैं, क्योंकि गति का अर्थ तो इसमें है ही, प्रगति के साथ, प्रगतिशीलता के साथ ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं, वह भी उचित है। सामान्यता लोग इसका अर्थ बल से ही ग्रहण कर लेते हैं, परंतु गति का अर्थ तो है ही, शव धातु का मुख्य अर्थ गति ही है, गति करना, जाना।
देवों ने सबसा गति द्वारा बल द्वारा अमदन आनंद किया। मत धातु का अर्थ आनंद करना, आनंद होना, आ क्रिया से हम कह रहे हैं, आ उपसर्ग जब क्रिया में लगता है तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं भूतकाल का अर्थ दे सकता है, या अमदन आनंद किया, आनंद करता है, क्रिया में उपसर्ग है तो क्रिया का अर्थ देगा, किसी संज्ञा में विशेषण में आएगा तो निषेधात्मक अर्थ देगा, आका अर्थ नहीं जैसा हो जाएगा, परंतु क्रिया में आएगा तो ऐसा अर्थ नहीं होगा। तो ये अमदन क्रिया पद है, आनंदित किया, आनंदित हुए। इंद्रम है, इंद्र को अमदन आनंदित किया, अनु अनुकूल। तो देवों ने अपने प्रगति से, अपने बल से इंद्र को अनुकूल आनंदित किया। इंद्र परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का तो एकमात्र परमेश्वर परमात्मा है, हम जानते हैं, और विद्वान कहते हैं कि जो समाज के नेतृत्व करता है उन्हें भी समाज में राष्ट्र में इंद्र का पद प्राप्त होता है, इंद्र कहा जाता है। वो लौकिक अर्थ में वह इंद्र भी ग्रहण कर सकते हैं, और मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में तो इंद्र का अर्थ परमेश्वर परमात्मा होता ही है। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि है तो रख सकते हैं। ओम गुरुजी, यहाँ पे जो ये प्रा है तो क्या इसका हर जगह प्रकष्ट ही इसका अर्थ लिया जाएगा? बेटा इसको यूं समझो कि ये जो उपसर्ग हैं, या इसे निपात भी कह लें, प्रसंग आ गया थोड़ा इसे भी समझ लें, ये बहुत छोटे छोटे शब्द या शब्दांश हैं, सामान्यता एक वर्ण के हैं, सामान्यता एक वर्ण के हैं, अधिक से अधिक दो वर्ण होंगे, इससे अधिक नहीं होते। तो सामान्यता उपसर्ग के रूप में जाने गए हैं, वेद में उपसर्ग जैसी अवधारणा संभवता नहीं है जैसा हम कहते हैं, वे स्वतंत्र शब्द के रूप में तो आते हैं, वहां निपात भी होते हैं, जो उपसर्ग नहीं भी है उन्हें ऐसे छोटे छोटे वर्णों को, एक वर्णीय शब्दों को निपात भी कहा गया है। ये सब अव्यय होते हैं, और ये भी कह सकते हैं निपात का या उपसर्ग का कोई बहुत विशेष शाब्दिक अर्थ होता भी नहीं है, यह केवल विशेषता प्रदान करते हैं अपने निकट से के अन्य शब्दों को। तो ये अर्थ जो हम लोग बताते हैं ये केवल समझने के लिए संकेतात्मक हैं, इसका वैसा शाब्दिक अर्थ नहीं होता जैसा धातुओं का अर्थ बताते हैं, सर्वनाम का अर्थ बताते हैं, या अन्य अव्यय शब्द है जिनका हमने कहा नक्तम रात्रि, तथा उस प्रकार, यथा इस प्रकार, चा और, ये जो अर्थ हमने बताए, चा भी एक वर्ण का है परंतु वो अव्यय है, उसका अर्थ सुनिश्चित उसी प्रकार से है, परंतु उपसर्ग और निपात के अर्थ उस प्रकार से नहीं होते। इसको अंग्रेजी में जैसे आर्टिकल कहते हैं, ए एन दे, तो जो समझे उसका अर्थ है भी और नहीं भी। तो प्रा जहां भी आएगा, वैसे ये तो निश्चित है, प्रा या कोई भी उपसर्ग जहां भी आएगा वो यूं कहें कि उसको एक प्रा से आप प्रमुख कह सकते हैं, प्रा से प्रकृष्ट कह सकते हैं, प्रा से प्रभूत कह सकते हैं, ये सब प्रा के अर्थ हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रमुखता से प्रकृष्ट रूप में, है ना, तो अर्थात उसको और अधिक बल प्रमुखता देते हुए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया आ रही है, या जो भी धातु शब्द उसके साथ जुड़ रहा है उसको ये प्रमुखता प्रदान करेंगे, तो उसमें प्रा भी आ सकता है, इससे उत आया। अब उत
भूत और प्रामे इस प्रकार से कहते हैं कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं हुई। भूत का भी अर्थ हमने क्या किया, उत्कृष्ट उत्तम, इसी प्रकार से उसको समझने का प्रयास किया। उत भी ऐसे ही उपसर्ग है या निपात है, सामान्यता इसको लोग उपसर्ग कहते हैं निपात नहीं कहते हैं, तो भ्रम में न पड़े। अरे भाई स्वामी जी ये क्या बता रहे थे, व्याकरण में तो इसको उपसर्ग कहा जाता है, निपात तो नहीं है। तो आप ये मान ले उपसर्ग निपात अव्यय लगभग एक से हैं, इनके अर्थ में कोई मतभेद आदि नहीं होता, इसके लिए कोई धातु नहीं खोजी जाती, इनके अर्थ लगभग निश्चित होते हैं। और उपसर्ग निपात कह सकते हैं केवल शब्दों को बल देने विशेषता के लिए आ जाते हैं, तो उसको इसी रूप में मानकर चलें। जैसा कि आपने कहा मुख्य प्रश्न जो था वो तो निश्चित समझ ले, प्रा का जो अर्थ यहाँ है वही अन्यत्र भी होगा, बदलेगा तो नहीं। लेकिन एक प्रसंग बस मुझे लगा कि आपको ये उपसर्ग और निपात का थोड़ा सा परिचय भी करा दें, तो हो सकता है इस प्रकार की बातों को समझने में सुविधा हो। ओम जी गुरु जी। अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न? जी किसी को कुछ कहना हो तो कहिए। फिर हम समापन ही करते हैं। स्वामी जी ओम यो असौ। स्वामी जी ये जो मद शब्द है क्या इसी को, इसी से उन्माद शब्द भी बना है? ये सही है कि उन्माद शब्द भी मद धातु से ही बनेगा, और ये उन जो है ये उत उपसर्ग ही है। जो भी उत उपसर्ग की बात हुई उत्सव में, ये उत में ताका ना हुआ है, उन्माद उसी से बना है, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि अभी हमने कहा सामान्यता जब आप पढ़ेंगे उत्सव तो लोक में उत्सव का एक निश्चित अर्थ है, परंतु वेद में तो हमको वैसे ही अर्थ करना पड़ा, वैसे ही उन्माद भी है। तो वेद में उन्माद का भी अर्थ तो वैसे ही किया जाएगा एक प्रकार से। अब वो एक विशेष स्थिति में चिकित्सा में आयुर्वेद में उसकी एक विशेष परिभाषा एक मान्यता, वो एक लौकिक अर्थ है, वो अपने आप में ठीक है। तो चलो समापन करो। स्वामी जी उन्माद शब्द का अर्थ बता दीजिए। बताया तो उन्माद का अर्थ भी वही हुआ उत्तम आनंद, अर्थ तो वही हुआ शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाएगी, परंतु ये सही है कुछ शब्दों का विशेष अर्थ कहीं विशेष विषय में अलग हो जाता है। जैसे व्याकरण में धातु का अर्थ क्या है, वो ये शब्दांश है जिससे अनेक शब्द बनते हैं उनका अर्थ उसके अनुसार होता है, परंतु आप भौतिकी में पढ़ेंगे तो धातु विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, वे वस्तुएं हैं, वहां धातु का अर्थ वो हो जाएगा। आयुर्वेद में धातु का कुछ और अर्थ हो जाएगा, वो पारभाषिक शब्दावली में विभिन्न विषयों में उसके विशेष अर्थ हो जाते हैं, परंतु शाब्दिक अर्थ वही रहता है, वेद में हम शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हैं, यही मुख्य बात। धन्यवाद स्वामी जी। जी समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते जी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को।
कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।